मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओसीडी के बारे में, मतलब जो बार बार लोगों को विचार आते हैं और जिससे परेशानी उनको होती है, तो वो जो बीमारी है उसके बारे में। इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसा बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब बार बार विचार आना, बार बार कृति करना, उसकी बीमारी, उसका मरीज। तो इनको बार बार विचार जो आते हैं वो तीन तरह के, मतलब एक तो बार बार विचार आएंगे, या बार बार ऐसा इम्पल्स आएगा, या बार बार इमेजेस आएंगे। इम्पल्स मतलब ऐसा आवेग आएगा या उत्तेजना आएंगी, या बार बार विचार आएगा, या बार बार ऐसी इमेज मतलब चित्र सामने आ जाएंगे। और उनको बार 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 मालूम है, मतलब उनको मालूम है कि भाई कुछ उसमें मतलब नहीं है, तथ्य नहीं, अर्थ नहीं, तभी वो बार 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 आते जाएंगे, वही वही विचार, वही वही विचार, वही वही विचार आते जाएंगे, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बीमारी का पहला जो है कि विचार आना, इम्पल्स आना, या चित्र दिखना, नंबर एक। नंबर दो, यह जो विचार बार बार आते हैं वो जीवन के रियल प्रॉब्लम के बारे में नहीं होना चाहिए। रियल प्रॉब्लम जीवन में कि आपको लगता है कि भाई आपका बच्चा फेल हो जाएगा और उसके बारे में विचार आ रहा है, तो फिर वो ऑब्सेशन में नहीं गिना जाएगा। तीसरा जो है वो है कि कोई जो दूसरे विचार या इम्पल्स या इमेजेस, उसका इस्तेमाल किया जाता है पहले विचारों को कैंसिल करने के लिए, कि मैं अभी ये सोचूं तो ये पहले वाला निकल जाएगा, ये सोचूं तो दूसरा निकल जाएगा, मतलब ऐसा ही हो, नए 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 विचार चालू हो जाते हैं। और चौथा जो है वो है कि उसकी उपज जो है वो खुद ने की हुई, मतलब उसको ये लगना चाहिए कि मेरे विचार है, बाहर से कोई नहीं कर रहा कंट्रोल, बाहर से कोई अंदर नहीं डाल रहा, ये मेरे ही विचार है, मैं खुद ही, मतलब मेरे दिमाग के विचार है, मैं खुद ला रहा हूँ विचार, ऐसा उस वो व्यक्ति को लगता है और वो लगना चाहिए, तभी ये बीमारी है ऐसा माना जाता है। मोस्ट कॉमन जो बहुत ही सामान्य रूप से जो दिखाया जाता है वो एक कंटेमिनेशन का, मतलब गंदगी है, ऐसे विचार बार बार आना। ये लोग यूजली जो बार बार विचार आते हैं, बार बार उसके ऊपर कृति करते हैं, ये लोग डॉक्टर के पास में जल्दी आते नहीं है। ये क्या होता है कि ये बहुत साफ सुथरा इंसान है, बहुत ही परफेक्शनिस्टिक है, बहुत क्लीनलीनेस ज़्यादा है, ऐसा करके उसके ऊपर मतलब ख्याल नहीं दिया जाता। मतलब जनरल पॉपुलेशन देखिए, आम लोकसंख्या जो है, आबादी जो है, उसमें 2 से 3% लोगों को ये बीमारी है, मतलब 100 में से 2 से 3 लोगों को ये बीमारी है। और साइकियाट्रिक ओपीडी में, मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास में, मनोविकार तज्ञ के पास में जो जाने वाले लोग हैं, वो पॉपुलेशन में कम से कम 100 में से 10 लोगों को ये बीमारी है। ये बीमारी की शुरुआत 20 साल की उम्र में अराउंड उसमें चालू होती है ऐसा दिखाया, मतलब ऐसा मालूम पड़ा कि भाई रिसर्च में कि 20 साल की जो उम्र है उसमें ज़्यादा शुरुआत जो होती है वो उम्र में शुरुआत होती है। और वो विचारों को जो बार 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 विचार आते हैं कि भाई मेरा हाथ गंदा हो गया, मेरे कपड़े गंदे हो गए, या मैं गंदा हो गया, ये विचार जो है बार बार आते हैं, उसको वो विचारों को रोकने के लिए फिर वो कुछ तो भी कृति कर लेता है। कॉमन जो बताया मैंने कि भाई गंदगी आती है, अब गंदगी है तो वो खुद हाथ धोऊंगा, हाथ धोएंगा, बार 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 हाथ धोना, बार 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 हाथ पैर धोना, बार 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 नहाना, बार 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 कपड़े धोना, वो खुद नहीं, मतलब खुद तो करेगा ही, घर के लोगों को भी तकलीफ चालू, घर के लोग जब बाहर से आएंगे तो बाहर चप्पल निकालो, जूते निकालो, हाथ पैर धो, स्नान करो, मतलब उनके लोगों के ऊपर भी अत्याचार। कभी कभी ऐसा होता है कि सैकड़ों लीटर पानी का नाश वो करता है, क्योंकि बार बार कपड़े धोना, बार बार स्नान करना, उसमें बहुत सारा पानी चले जाता है, और बाकी लोगों को तकलीफ, खुद को तकलीफ, और उसको मालूम रहता है कि मेरे विचार है, मगर मेरे विचार मेरे से रोक नहीं जा रहे। तो इस तरह का ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये बहुत बड़ी बीमारी, मतलब ये बहुत बड़ा इसका वीडियो हो सकता है, मगर मैंने उसको पार्ट्स में उसको उसका उसका विभाजन किया हुआ है, तो ये पार्ट 1 हुआ। मेरे पार्ट 2 पार्ट 3 भी इसके बाद में आएंगे, वो भी आप जरूर देखो, तो आपकी इसके बारे में आपको और जानकारी हो जाएगी, कितने अलग अलग तरह के विचार आते हैं, कितने अलग तरह की कृति वो आदमी करता है, कंपल्शंस, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, उसका इलाज क्या बता दूंगा। आपके संपर्क में काफ़ी ऐसे लोग होंगे कि जो बहुत क्लीनलीनेस, एक्सेसिव क्लीनलीनेस वाले होंगे, टॉप टिप वाले होंगे, डॉक्टर के पास आने के लिए कम से कम एवरेज में ऐसा देखा गया है कि 10 साल लगते हैं, तब तक उसके ऊपर मतलब वो सीक्रेट रखा जाता है। तो आपके आसपास में ऐसे लोग होंगे कि जो बहुत साफ़ सुथरे हैं, बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस उनको है, परफेक्शनिज्म है जिनको,
तो समझ आना कि कुछ ना कुछ है क्या, तो भाई उनको रेफर करना जरूरी है, उनको जरूर वीडियो पास करो, शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और उसके पास में जो घंटी आती है उसको आप क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे। आपके व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारा जो मकसद है वो है मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है अकोला में, जिसमें हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। एक हॉस्पिटल है उसमें रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं। तो जुड़े वीडियो लोगों को शेयर करो, और आपका भी हाथ इसमें लगने दो कि जो हमारा मिशन है कि मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एडिक्शन फ्री इंडिया। थैंक यू वेरी मच।